जब आप लोगों ने चेकिंग की होगी उसकी कंडीशन ट्रू नहीं आ रही होगी, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जहां पे ट्रू नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, वो फॉर्म किसमें एक्सट्रेनियस में चल जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें एक्सट्रेनियस में एक क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि कंडीशन क्या है, चेकिंग में ट्रू नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 2 और 3 क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो आए हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ कर सके कि आगे किस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन चेंज आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर फॉर कुछ इस तरह से है, 3x प्लस 100 अंडर रूट 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन इसके सॉल्यूशन करने के लिए मैंने अगेन क्वेश्चन को उतार दिया। अब मैंने क्या किया, अंडर रूट 3x प्लस 100 इज इक्वल टू, अब जो x का इक्वल की मेरे पास लेफ्ट साइड पर था, मैं उसको राइट साइड पर लाने के लिए क्या करूंगा, अगर वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया, उधर आगे प्लस में हो गया, तो क्या हुआ 4 प्लस एक्स हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स अगेन दोबारा से मैं स्क्वायर लूंगा बोथ साइड को, बट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मैंने क्या किया अंडर रूट 3x प्लस 100 को मैंने यहां पे स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू 4x, 4 प्लस एक्स का यहां पे मैंने स्क्वायर ले लिया। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया, जब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो सिंपल अंदर वाली वैल्यू बच जाएगी। अब अंदर वाली वैल्यू मेरे पास क्या है, 3x प्लस 100, 3x प्लस 100 मेरे पास अंदर वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद इज इक्वल टू 4 प्लस x, यानी कि a + b का होल स्क्वायर पूरा फार्मूला खुलेगा। तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो कैसे, 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2, 4 और x का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स 4 है। ओके स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 4, 4 का 16 प्लस x स्क्वायर प्लस 2, 4 का 8, 8x आ गया, x स्क्वायर प्लस, अब 8x अपनी ही जगह पर, 8x अपनी ही जगह पर आ, सो तो देख समझे, अब ये मैंने इसको एवरेज से लिख दिया, अब ये वाली जो चीजें हैं ना 3x प्लस 100 ये इक्वल की दूसरी साइड पर आई, दूसरी साइड पर आके ये माइनस की हो गई। यहां पे आपके स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हमें समझ नहीं लग रही कि किस तरह से किया हुआ है, तो मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को यही बता रहा हूं कि यहां पे मैंने क्या किया, ये वाली जो साइड है x स्क्वायर वाली ये अपनी ही जगह पर रही है, यानी कि 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x अपनी ही जगह पर रही है, ये जो दूसरी साइड है ये 3x प्लस 100 ये इक्वल की समरी साइड पर आई है, यानी कि इक्वल टू 0 इधर लगा लें उधर लगा लें बात एक ही होती है। लेकिन स्टूडेंट जहां पे कंफ्यूज हो जाती है, मैंने दोबारा से उनको बताया कि ये 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x अपनी जगह पर रहेगी, उसके बाद 3x प्लस 100 ये इक्वल की दूसरी साइड पर आके क्या होगा, ये माइनस की होगी। तो अब x स्क्वायर को मैंने सबसे पहले लिख लिया क्योंकि मैंने अरेंज किया था x स्क्वायर प्लस 8x, 8x तब की 3x इक्वल की दूसरी साइड पर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 16 अपनी जगह पर आ, उसके बाद ये 100 इक्वल की दूसरी साइड पर आएगा तो क्या हो गया, माइनस 100 हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट, माइनस 100 हो गया, इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 निकालो तो क्या हो गया, 5x आ गया। अब 100 में से मैंने 16 को माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, अब सिंपल तो पहला है उनको मैंने माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा, माइनस 84 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जहां पर मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में मेरे पास फॉर्मेट आ गया, यानी x स्क्वायर प्लस 5x, उसके बाद हायर पावर डिग्री 2 है, उसके बाद x है, उसके बाद 0 है। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, अगेन स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेकिंग करूंगा, अब मिड टर्म ब्रेकिंग में मैं क्या करूंगा, मैं पहले माइनस 84 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आता है, माइनस 84 x स्क्वायर आता है। अब मुझे दो ऐसे यानी कि वेरिएबल के साथ वैल्यू चाहिए, जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आंसर आए, माइनस 84 एक्स स्क्वायर आए, स्टूडेंट्स क्या आए, माइनस 84 एक्स स्क्वायर आए, और जब उनको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या है, प्लस 5x आए, प्लस 5x आए, तो वो कौन से हो सकते हैं। अब मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, माइनस प्लस 12x और माइनस 7x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, फॉर एग्जांपल 12 7 का 84
एट के साथ 12x के साथ प्लस है और 7x के साथ माइनस है, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 12 7 84, अब मल्टीप्लाई में इवन होंगे, साइन भी मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो वो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर कैलकुलेटेड फॉर्म में मेरे पास क्या आ रहा है, -84 x के आ गए दोनों के साथ। अब मैं दूसरी कंडीशन को चेक करता हूं, क्या इन्हीं दोनों जो न्यूमेरल है वेरिएबल के साथ मैं यहां पर इनको ऐड और सबट्रैक्ट करूं, क्या मेरे पास +5x बचता है कि नहीं बचता, अभी ये कंडीशन चेक करूंगा स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या किया, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 निकालूंगा, 12 में से 7 निकालूंगा तो 5x ही ऑब्वियसली बचता है। अब इन दोनों के साथ देखता हूं कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है 12x, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगा। अब कंडीशन मेरे पास पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि मुझे -84x² भी मैंने कट कर दिया और +5x भी कट कर दिया। तो स्टूडेंट्स यानी कि ये दो जो मैंने पेयर बनाए हैं मिडटर्म ब्रेकिंग की, ये मेरी कंडीशन ट्रू है, यानी कि कंडीशन ट्रू से मतलब दोनों को दो एक जैसे दोनों जो वेरिएबल है नंबर के उनको मैं अगर सेम मल्टीप्लाई करूं एक ही सेंस में तो मेरे पास -84x² भी आ रहा है और अगर मैं उनको ऐड और सबट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है +5x भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं यहां पे 5x की जगह ये दोनों रिप्लेस कर दूंगा, +12x और -7x। अब जब मैंने इसको यहां पे रिप्लेस कर दिया उसके बाद नेक्स्ट में चलता हूं, अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, x नीचे आ गया और ये स्टूडेंट -84 एलसीएम मैंने निकाला -0 कर दिया, ये मैं बता रहा हूं, यानी कि x का प्लस इन दोनों की जगह मैंने 12x और -7x लिख दिया और -84 = 0। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x आ गया, x into x इधर आ गया, प्लस 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 इसका एक x बाहर आ गया, 12 अंदर आ गया और ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ गया, -7 कॉमन ले लिया, कैसे लिया, अब मैं 84 को जरा 7 में आप डिवाइड करो तो 12 बचता है, इसका मतलब पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 7 कॉमन आ सकता है, यानी कि 7 के टेबल पे 84 जाता है, मैंने कैसे डाला, मैंने 84 को खुद ही 7 पे चेक कर लिया डिवाइड कर दिया तो ऊपर मेरे पास 12 बचा, इसका मतलब 7 12 का 84 होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, -7 × x, x इसका अंतर है माइनस माइनस प्लस, 7 12 का 84 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया = 0। अब स्टूडेंट यहां पे टेकिंग कॉमन में कांसेप्ट क्या आ रहा है, x प्लस 12 आ रहा है, x प्लस 12 को मैंने इधर लिख दिया इनटू x माइनस 7 को इधर लिख दिया = 0 पे मैंने इक्वल कर दिया। अब स्टूडेंट जहां पे x प्लस 12 को 0 पे इक्वल कर दिया और x माइनस 7 को 0 पे इक्वल कर दिया, अब जो मेरे पास 12 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू मैंने क्या कट कर ली, x माइनस 12 x = -12 और यहां पे -7 इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 का हो जाएगा, तो x x की एक वैल्यू मैंने कट दी -12 और x की दूसरी वैल्यू क्या कट दी 7। तो स्टूडेंट जहां पे मैंने वैल्यूज को कट कर दी, अब मैं चेकिंग करूंगा कि क्या ये वैल्यूज ठीक इसके अकॉर्डिंग क्या ठीक है कि नहीं, यहां एक्सट्रोनियस में जा रहा है, तो अब स्टूडेंट्स मैं पुटिंग करूंगा x = -12 सबसे पहले -12 को करूंगा कोई यह नहीं, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का नाम लेते हैं यहाँ पे, इसमें यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है नाम भी दे सकते हैं, यानी कि नाम दे के ऐसा फॉर्मेट में हमें पता लगता है कि स्टूडेंट्स ने ऐसा क्वेश्चन किया। तो अंडर रूट 3x + 100 - x = 4, अब मैंने x की जगह -12 पुट करना है, 3 × -12 + 100, अब माइनस ये इसका अपना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ये माइनस होता है ना, ये वाला माइनस, ये माइनस इसका अपना है और इनटू -12 एक्स की वैल्यू है उसके साथ पुट करना है, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स में सेव करते हैं -12 = 4, अब अंडर रूट 12 3 = 36 माइनस का साइन साथ आ गया क्योंकि 12 के साथ माइनस का साइन है, -36 + 100 -12 आ गया = 4, अब +-100 में से 36 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आता है 64 आ जाता है और +12 एलसीएम आ गया = 4। अब मैंने क्या किया 64 का जब साइन मतलब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आता है मेरे पास 8 आ गया, 8 + 12 = 4, अब 8 + 12 करूंगा तो 20 = 4 क्या इक्वल है 20 ≠ 4, सो दिस इज नॉट अ ट्रू कंडीशन, ये ट्रू नहीं, ये ट्रू नहीं है। तो अब मुझे एक पता लगा कि मेरे पास एक क्लू नहीं है, अब उसके बाद दूसरा x की वैल्यू क्या बची हुई है स्टूडेंट्स, दूसरे x की वैल्यू मेरे पास 7 बची हुई है जिसको मैं पुट करूंगा। अब
उसको पुट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू गेट होती है, क्या वो प्रो आती है नहीं आती। तो इसको चेक करते हैं, अंडर रूट 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4, इसको एलसीएम लिखा। अब 3 अंडर रूट 3 x की जगह 7 पुट किया प्लस यहां पे जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, तो अंडर रूट 3 * 7 प्लस 100 माइनस, अब देखें इसकी जगह x की जगह मैंने 7 पुट कर दिया, ये माइनस इसका अपना आया इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 21, 3 7 का 21 प्लस 100 एज इट इज आ गया माइनस 7 इज इक्वल टू 4। अब ये 7 बाय है अंडर रूट से, ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। अब प्लस 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 100 में 21 ऐड किया तो 121 आ गया माइनस 7 इज इक्वल टू 4। अब 121 का जब स्क्वायर रूट होगा तो आप लोगों को पता है 11 11 का 121 होता है, 11 का स्क्वायर आता है, तो कट के मेरे पास फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। अब 11 माइनस 7 करेंगे प्लस माइनस माइनस 11 माइनस 7 करेंगे तो क्या आता है 4 बचता है हमारे पास। अब 4 इज इक्वल टू 4 ये क्या हो गया ट्रू हो गई, ये क्या हो गया ट्रू हो गई। तो स्टूडेंट्स जब एक भी ट्रू नहीं आती तो मैं उसको किस फॉर्म में लिखूंगा, सॉल्यूशन सेट में प्लस वाला एक्स 7 पहले आ जाएगा और माइनस 12 इज द एक्चुअल केस यानी कि सॉल्यूशन सेट में, तो इस फॉर्म में फाइनेंस यानी कि उसके इक्वल नहीं आएगी। तो अब स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ लग चुका होगा। तो आप लोगों ने नेक्स्ट जो फर्दर क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो फर्दर क्वेश्चन है 4 के बाद आप लोगों ने 5 4 मैंने पार्ट कर दिया 5 6 और 7 आप लोगों का स्टूडेंट्स होम टास्क है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तमाम की तमाम लेक्चर की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके आप मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को सबमिट करवा लीजिए बाद में। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।